नमस्कार दोस्तों। दोस्तों इच्छाएं अनंत होती हैं। ईश्वर ने जितना दिया है उसी में खुश रहो। क्या पता तुम आज जो ईश्वर से मांग रहे हो वह कल तुम्हारे दुख का कारण बन जाए। दोस्तों इच्छाएं पूरी ना होने पर मन जरूर उदास रहता है। इसके अलावा हम तब भी बहुत दुखी होते हैं जब कोई हमारा अपना हमें छोड़कर इस दुनिया से हमेशा के लिए चला जाता है, क्योंकि इसके पीछे का रहस्य हम नहीं पहचानते। जबकि सिक्के का दूसरा पहलू देखा जाए तो हमारे भाग्य और कर्म के परिणाम स्वरूप ईश्वर हमारी उन इच्छाओं को पूरी करते हैं जो वाकई में हमारे आने वाले कल के लिए अच्छी होती हैं। जानते हैं कैसे? तो इसका उत्तर कठोपनिषद में रचित इस कहानी से आपको मिल जाएगा। इसलिए इस पौराणिक कहानी को अंत तक जरूर देखिए। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। शूरसेन प्रदेश के राजा चित्रकेतु की लाखों रानियां थीं। उन्हें सुख संपत्ति की कोई कमी नहीं रही। प्रजा राजा चित्रकेतु का बहुत सम्मान करती थी। राज्य में चारों तरफ खुशहाली रहती थी। फिर भी राजा चित्रकेतु को एक बहुत बड़ा दुख था जिसके कारण वो हमेशा तनाव में रहते थे। इस वजह से उनकी राजकाज में दिलचस्पी समाप्त होती जा रही थी। वजह थी उनकी लाखों रानियों में से उन्हें अब तक कोई भी पुत्र ना दे सकी थी। पुत्र की इच्छा ने उन्हें विचलित कर रखा था। एक बार ऋषि अंगिरा चित्रकेतु के दरबार में आए। अंगिरा ऋषि ने चित्रकेतु के चेहरे की उदासी को देखकर पूछा, आपके राज्य में धन धान्य सुख शांति की कोई कमी नहीं है, फिर भी आप इतने उदास क्यों हैं? तब चित्रकेतु ने अंगिरा को बताया, मैं अब तक संतानहीन हूं। मेरी लाखों रानियों में से कोई भी रानी मुझे संतान सुख ना दे सकी। मेरी चिंता का कारण है कि मेरे बाद प्रजा का पालन कौन करेगा, मेरा पिंड दान करके मुझे मोक्ष कौन दिलाएगा। तब अंगिरा ऋषि ने चित्रकेतु को बहुत समझाया कि पुत्र होने से किसी को मोक्ष नहीं मिलता, जिनके पुत्र हैं वह अभी कहां मुक्त हैं। परंतु ऋषि का कोई भी तर्क चित्रकेतु को संतुष्ट नहीं कर पा रहा था। ऋषि अंगिरा ने चित्रकेतु की बेचैनी को देखते हुए यज्ञ किया और यज्ञ का प्रसाद चित्रकेतु को देते हुए कहा, इसे अपनी सबसे प्रिय पत्नी को दे देना, वह जल्द ही माता बन जाएंगी। राजा लेकिन ध्यान रखना, यह पुत्र तुम्हारे सुख के साथ साथ दुख का भी कारण बनेगा। जब राजा चित्रकेतु ने वह प्रसाद ले जाकर अपनी प्रिय रानी कृतद्वितीय को दिया, कृतद्वितीय को यह प्रसाद देने के बाद बाकी सारी रानियां क्रोधित हो उठी। कुछ समय बाद रानी कृतद्वितीय एक पुत्र की माता बन गई। राजा चित्रकेतु कृतद्वितीय का और भी ज्यादा ध्यान रखने लगे। अब चित्रकेतु का अधिकांश समय कृतद्वितीय के साथ ही बीतने लगा। इस तिरस्कार से बाकी रानियां जल उठी और वह कृतद्वितीय से ईर्ष्या करने लगी। तब ईर्ष्या में जल रही रानियों ने मिलकर एक खतरनाक योजना बनाई। उन लोगों ने रात के अंधकार में जाकर चुपचाप नन्हे राजकुमार को जहर पिला दिया। राजकुमार के मर जाने की सूचना जैसे ही चित्रकेतु के पास पहुंची, उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई, मानो उनका पूरा संसार ही उजड़ गया। मन्नत और इतनी प्रार्थनाओं के बाद प्राप्त हुआ पुत्र उन्हें इतनी जल्दी एक ही पल में छोड़कर इस दुनिया से हमेशा के लिए चला गया। चित्रकेतु का समय जहां से चला था फिर वहीं आकर रुक गया। इस दुख की घड़ी में राजा रानी के साथ पूरा परिवार भयंकर शोक में डूब गया। महल में शोक सभा चली रही थी तभी यह दुखद समाचार ऋषि अंगिरा को मिला। तो वह देव ऋषि नारद के साथ चित्रकेतु के महल में आ पहुंचे और उन्हें सांत्वना देने लगे। राजा को इस कदर शोक में डूबा देखकर ऋषि अंगिरा ने चित्रकेतु को समझाते हुए कहा, आप इतने दुखी क्यों हैं? आपका कौन था ये? अरे आप और वो तो अलग अलग जीवात्मा हैं। आपका संबंध उससे केवल इतना था कि इस जन्म में वह कुछ समय के लिए आपका पुत्र बना। वैसे भी सारे रिश्ते बस इस जन्म तक के लिए ही होते हैं। इतना सुनकर महाराज चित्रकेतु क्रोध में भरकर बोले, महर्षि मेरा पुत्र मरा है, मेरी पत्नी बार बार बेहोश हो रही है, मुझ पर मुसीबत का पहाड़ टूटा है। मेरी समझ में नहीं आता कि ईश्वर को जब इसे वापस ही लेना था तो मुझे दिया ही क्यों। इस पर अंगिरा ऋषि ने कहा, उस वक्त मैंने तो तुम्हें हर तरह से समझाया था परंतु तुम ही नहीं माने, इसलिए अब तुम पहले से और ज्यादा दुखी हो।
परंतु ऋषि के किसी भी उपदेश से चित्रकेतु को शांति ना मिली। तब नारद जी ने चित्रकेतु के पुत्र को वापस जिंदा करने का फैसला किया, इसलिए उन्होंने चित्रकेतु के पुत्र की आत्मा को वहां बुला लिया। नारद जी ने आत्मा से कहा, तुम्हारे माता पिता तुम्हें देखकर बहुत दुखी हैं। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस शरीर में वापस प्रवेश कराकर तुम्हें जीवित कर सकता हूं। इस पर आत्मा ने कहा, देवऋषि, अरे आप मेरे किस जन्म के माता पिता की बात कर रहे हैं? मैं अपने कर्मों के अनुसार कई जन्मों से कभी देवता, कभी मनुष्य, कभी पशु पक्षी, तो कभी पेड़ पौधा बनता हूँ। यह मेरे किस जन्म के माता पिता है? मैं तो कई योनियों में भटकता रहा हूँ। मेरे लाखों माता पिता है, फिर मैं इन दोनों को ही कैसे अपना माता पिता मानूं? मैं जब तक जिस शरीर में रहता हूँ तब तक ही उसे अपना समझता हूँ। मेरा कोई प्रिय नहीं है, मेरा इनसे संबंध केवल इस शरीर तक ही था। मुझे अब नए रूप में जन्म लेना है, इसलिए मुझे अब जाना होगा। आत्मा की बात सुनकर चित्रकेतु को झटका लगा, उनकी आंखों से आंसू सूख गए। वह हैरानी से सब कुछ सुन रहे थे, उनका मोह भंग हो गया। उनको यह जीवन मृत्यु का रहस्य अब अच्छी तरह से समझ आ चुका था। दोस्तों, गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही बात समझाई है। देखा जाए तो दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसने कभी ना कभी किसी प्रिय को ना खोया हो, क्योंकि संसार में जन्मे हर प्राणी की एक ना एक दिन मौत जरूर निश्चित है, और तब वह भी हमारे वेद पुराणों में पहले से वर्णित जीवन मृत्यु के इस रहस्य को समझ ही जाएगा। इसलिए जीवन में कभी किसी के लिए मत ठहरो, अपना कर्म करो और आगे बढ़ो। आत्मा के बारे में विज्ञान भी कहता है कि आत्मा एक ऊर्जा है जो ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। तब तक के लिए जय श्री राम।